नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व है। गंगा को माँ का दर्जा प्राप्त है। गंगा पाप नाशिनी और मोक्ष दायिनी भी है। ये पर्व वैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन मनाया जाता है। आपको बता दें कि इसी दिन गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई, उस दिन गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस साल 2020 में 30 अप्रैल को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। माना जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी तरह के पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोरोना संकट के चलते पूरा देश लॉकडाउन में है, ऐसे में घर पर स्नान करते समय पानी की बाल्टी में गंगा जल की कुछ बूंदों को डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गंगा सप्तमी की कथा, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें सप्तमी तिथि 29 अप्रैल 3:12 से शुरू होकर 30 अप्रैल दोपहर 2:39 तक रहेगी। गंगा सप्तमी का मध्यान्ह मुहूर्त है 30 अप्रैल सुबह 10:38 से लेकर दोपहर 1:13 तक, 2:36 की इसकी अवधि रहेगी। इस दिन घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में पीतल के बर्तन में गंगा जल भर कर रखें। ऐसा करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। यदि घर में छोटे बच्चे रात में डरते हैं तो उनके सोने के कमरे में सोने से पहले गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही ऐसा करते समय गायत्री मंत्र का भी जाप करें। अगर आपके घर या ऑफिस में वास्तु दोष है तो हर पूर्णिमा और अमावस्या पर गंगा जल का छिड़काव करने से वास्तु दोष खत्म होता है। तो आइए आगे आपको बताते हैं गंगा सप्तमी की कथा और महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन दान पुण्य को भी विशेष महत्व दिया जाता है। पुराणों के अनुसार भागीरथी के अथक प्रयास से ही गंगा भगवान शिव के जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु जी के अंगूठे से निकली है, जिनका पृथ्वी पर अवतरण भागीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृत राजा सागर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सागर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। एक अन्य पौराणिक एक कथा के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ, तो वहीं गंगा मैया की उत्पत्ति को लेकर एक और कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा माँ गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।